हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक शब्द का हमें सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो के एंड में ऑप्टिमिस्टिक वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक की प्रोनाउंसिएशन है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपिंग और बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर, आशा करना या विश्वास करना कि भविष्य में अच्छी चीजें ही होंगी, तब उस व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। यानी जो व्यक्ति हमेशा एक पॉजिटिव धारणा रखता है कि भविष्य में अच्छी चीज होगी, उस व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं विद ऑप्टिमिस्टिक। शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर चांसेस ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर चांसेस ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल। वह स्वर्ण पदक जीतने की संभावना को लेकर आशान्वित है। Your view is too optimistic. आपका दृष्टिकोण बहुत आशावादी है। I am very optimistic about our chances of success. मैं अपनी सफलता की संभावनाओं को लेकर बहुत आशावादी हूँ। The meeting ended on an optimistic note. बैठक एक आशावादी नोट पर समाप्त हुई। तो आइए हम ऑप्टिमिस्टिक के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स देख लेते हैं। होपफुल, आशावान, पॉजिटिव, सकारात्मक होना, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, अपबीट, उत्साहित। वहीं ऑप्टिमिस्टिक के एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं पेसिमिस्टिक, निराशावादी होना। तो जहां एक ओर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है किसी व्यक्ति का आशावादी होना और पॉजिटिव सोच रखना, वहीं उसका ऑपोजिट वर्ड है पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी होना। ग्लूमी, उदास रहने वाला, होपलेस, निराशाजनक, नेगेटिव, नकारात्मक सोच रखना। तो सिंपल शब्दों में ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशावान, भविष्य में अच्छी चीजें होने की कामना करने वाला व्यक्ति, सकारात्मक सोच रखने वाला। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप ऑप्टिमिस्टिक शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। Thank you for watching this video. Meet you next time with a new word. Until then, keep learning, read lot of books and stay happy.